मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में लगभग एक सप्ताह पूर्व हुए बाप बेटी के डबल मर्डर का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए उसी के इलाके के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार करके उनके पास से मर्डर में उपयुक्त चाकू और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। 30-31 की रात नागफनी क्षेत्र के रहने वाले नसरू और उनकी बेटी की अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। अगली सुबह आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। हत्यारों ने बड़ी ही बहरहमी से बाप बेटी की चाकुओं से वार करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया था। शहरी इलाके में हुए डबल मर्डर से मचे हड़कम के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस हत्याकांड को जल्दी खोलने का दावा किया था और कई टीमें गठित करते हुए आज SSP प्रभाकर चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस दोहरे हत्याकांड का पटाक्षेप कर दिया। SSP के अनुसार मृतक नसरू का लॉकडाउन के दौरान आरोपियों से मीट खरीदने को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद से आरोपी उनसे खफा चल रहे थे और उस रात मौका पाकर घर के ऊपरी हिस्से से आकर दोनों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। पकड़े गए दोनों आरोपियों की शिनाख्त पर हत्या में उपयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम मन्नान और यूनुस है, जो मीट के कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहले से ही लग रहा था कि पड़ोस का कोई हो सकता, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि बाहर का या परीक्षक से ही लोग आए थे। और इसमें जो फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया गया, जहाँ तक ब्लड स्टेन थे वहाँ तक थी, बाद में इसमें संविधान सभा के माध्यम से एक व्यक्ति का नाम पता चला है, उसको पकड़ा गया, जिसके नाम से पूछताछ की गई तो उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया, तो उसको पकड़ा गया, उसने सारी घटना बताई और जो घटना में ज्वेलरी उन्होंने दिया था, जहाँ जाके बेचा था वो दुकान CCTV फुटेज जैसे जैसे लोग गए थे, साथ में जो मोबाइल थी वहाँ से निकाल के ले गए थे, रामनंदन जी ने देखा था, मोबाइल बरामद हुआ, इन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, कपड़े बरामद हुए और जो इनके पास वेपन था वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर किया, जिसमें ब्लड लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पिता को मारना चाहते थे, लॉकडाउन जब समाप्त हुआ था उसमें मुर्गे की बिक्री को लेकर इनका विवाद हुआ था, उसमें लड़ाई हो गई थी और एक छोटा सा ईगो जो इशू होता है उस चक्कर में ये मस्जिद के आदि भी हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। बीच में भी उन्होंने एक बार प्लानिंग की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, उन्होंने घटना को नहीं अंजाम दिया था। इस दिन इनको मुफीन लगा, रात का समय है और त्यौहार के बारे में सुबह जो इस चक्कर में पुलिस की सभी टीमों ने बहुत अच्छे से